एक बहुत प्रश्न मेरे मन को मथ रहा है लगभग लगभग 2 महीने से ज्यादा। मुझे रातों में नींद भी नहीं आ रही। अरे राम। मुसलमानों का अंत कैसे और कब होगा, कम से कम भारत में? अरे राम। क्योंकि ये बिल्कुल निश्चित है कि यदि हमने इनका अंत नहीं करा, ये हमारा अंत कर देंगे। हमने इनका अंत नहीं किया तो ये हमारा अंत कर देंगे, क्योंकि हिंदू तो सो रहा है। ईरान से सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ तक आ गया और हिंदू सो रहा है। हिंदू का सोने का स्वभाव है। तो इसलिए कैसे, क्या इसके लिए यदि मुझे विशेष तौर पर कुछ करना पड़े, आप कुछ आदेशित करें, मैं करूँगा। वाह, मुझसे ही प्रारंभ किया बैठे। हाँ, तो गुप्तचर विभाग सुन ही रहा होगा। ऐसा है कि कोरी भावुकता के वशीभूत होकर कोई भी विचार पालना नहीं चाहिए, किसी भी विचार को क्रियान्वित नहीं करना चाहिए। जिनके अंत की बात आप कहते हैं, उनके भविष्यवक्ताओं ने कहा था इतने वर्ष बाद इनका नाश हो जाएगा, लेकिन वह अवधि बीत गई और नाश नहीं हुआ। अब अगर आप किसी वर्ग विशेष के नाश की बात करते हैं तो आप तो बात ही कर सकेंगे, उनके पास लात भी है, सारी सामग्री है, शासन तंत्र उनके पास है। थोड़ा तो पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है ना, जैसा शासन तंत्र रहा है, तो बिहार में जैसा शासन तंत्र रहा है, एक एक प्रांत के मुख्यमंत्री की ओर दृष्टि दीजिए। सकल से वो लगते हैं हिंदू, नाम से लगते हैं हिंदू, काम किसका वो करते हैं। जिनसे आप तंग हैं और भविष्य को लेकर सोचते हैं कि हमारी सत्ता ही ये बचने नहीं देंगे, वे किन किन के माध्यम से शासन कर रहे हैं, थोड़ा उस पर भी विचार कीजिए। क्योंकि भगवद गीता के 18वें अध्याय में आया है, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम। कोई भी कदम उठावे तो परिणाम क्या होगा, धनक्षय जनक्षय कितना होगा। कोरी भावुकता के वशीभूत होकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमने एक संकेत किया। अब काटजू ले लीजिए, काटजू जी तो प्रबुद्ध व्यक्ति है, न्यायाधीश रहे हैं। वे चिल्ला चिल्ला कर बोल चुके कि गाय खान मांस खाना चाहिए। ममता बनर्जी पार्लियामेंट में 3 बार कह चुकी थी कि गोहत्या होनी चाहिए। उनके एक सांसद ने 3 साल पहले कहा था कि गाय गरीबों का भोजन है। अब समझिए, मुसलमान ने नहीं कहा था, इसका मतलब अब तो गोहत्या के समर्थक मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू अधिक हो गए। अच्छा, श्री राम जन्मभूमि में मंदिर मस्जिद दोनों बने, ये हिंदू चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हिंदू बाबा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, समझ गए, मुसलमान चिल्ला के नहीं कहते। तो आप, अच्छा दूसरी बात है, आपने कहा कि आप विश्व हिंदू परिषद के हैं, तो विश्व हिंदू परिषद तो आरएसएस की शाखा है। इंद्रेश जी से आप परिचित हैं, जिनसे आप परहेज करते हैं वे तो आरएसएस में भर्ती किए जा रहे हैं, तो आपको तो अपने घर से ही पहले मुंह की खानी पड़ेगी, समझ गए नहीं? आप जो, अच्छा आप समर्थक हैं भाजपा के, बुरा मत मानो, लेकिन बिहार का अमुक 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 नाम नहीं लूंगा। भाजपा में वही मुसलमान सज्जन बहुत ऊंचे पद पर लाए जाते हैं जिन्होंने ब्राह्मण की बेटी से शादी की है। वाजपेयी जी के समय से लेकर अब तक यह प्रथा है। तो सबसे पहली बात है कि आप मुसलमानों से संघर्ष करने जा रहे हैं या आरएसएस में सिंधु परिषद से संघर्ष करने जा रहे हैं। आरएसएस के कई नेता आपको मिल जाएंगे जिनकी बेटी कहाँ गई और जिनके घर में कौन बहुरानी होके आई, तो बात तो बहुत विचित्र है। इसलिए मैं जो उपाय बताता हूँ वो बहुत ही सुगम है।
पांच मुस्लिम घर की देवियों ने उनकी दृष्टि में 1400 वर्षों से तीन तलाक के नाम पर मुस्लिम देवियों के साथ जो मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके व्यवहार हो रहा था उसके विरोध में आवाज़ बुलंद की। अगर हिंदू आवाज़ बुलंद करते तो रक्त की नदी बह जाती। मुस्लिम घर की पांच देवियां थीं, उत्तराखंड की थी, उत्तर प्रदेश की थी, राजस्थान की थी, उड़ीसा की थी, इस प्रकार। और वो सफल भी हुई। इसका अर्थ क्या निकला? हिंदुओं के यहाँ जो मातृशक्ति देवियों का सम्मान है उसके प्रति उनके हृदय में आस्था थी, उस आस्था ने उनको मुखर बना दिया। अभी बर्मा में मनुष्यों को कच्चे चबा जाने वाले पिशाच तुल्य नरभक्षी थे, मनुष्य का भोजन करते थे, लामाओं को खा जाते थे पका के। लामाओं ने सोचा कि हमारी अहिंसा तो हमको जीवित नहीं रहने देगी, तो वैकल्पिक छात्र धर्म को उन्होंने अपनाया। अभी तो 6 महीने पहले की बात। तो नरभक्षी इधर उधर भागने लग गए। इसका मतलब बौद्धों को भी अगर अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा की चिंता हुई तो उन्होंने हिंदुओं को ही आदर्श माना। माने हिंदुओं की के यहाँ जो छात्र शक्ति है उसका आलंबन लेना पड़ा। मुस्लिम देवियों को भी अगर अपने वर्ग में कोई क्रांति लानी हुई तो हिंदू महिलाओं को आदर्श माना, हिंदुओं को आदर्श माना। अगर हिंदू अपने आदर्श को यथासंभव अपनाए रखें तो जितने वर्ग हैं, तंत्र हैं हिंदुओं के अतिरिक्त, उन वर्गों में, तंत्रों में ही ऐसे क्रांतिकारी उत्पन्न होंगे जो अपने वर्ग और तंत्र का शोधन कर देंगे। ठीक है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं तो अभी उस देश में गया था जो 10-12 साल पहले हिंदू राष्ट्र था। अब दो वाम दक्षिण पंथ के कम्युनिस्ट मिलकर शासन कर रहे, प्रचंड और शर्मा, पहले प्रचंड थे प्रधानमंत्री, अब दो कम्युनिस्टों के दल मिलकर के शासन कर रहे। उनके शासनकाल में अभी 10 दिन में रह आया हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भरी सभा में कहा था, हमारी दुर्बलता आपका जीवन है। उस समय शब्दावली और थी, भाव यही था। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? अगर हमने सनातन सिद्धांत को ठीक से समझकर उसको ठीक से क्रियान्वित किया होता तो विश्व में कम्युनिज्म आदमी की डाल ही नहीं गलती, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमारी दुर्बलता के रूप में मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र है। हम अपनी उस दुर्बलता को दूर कर दें, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? ये कुछ है नहीं, हमारी दुर्बलता इनके रूप में प्रकट हुई। जैसे इंद्र से कोई परिस्थितिवश प्रमाद बना, उस प्रमाद ने वृत्रासुर का रूप धारण किया या नहीं? वो वृत्रासुर कौन था? इंद्र का प्रमाद ही परिस्थितिवश जो इंद्र को प्रमाद, उसके मूल में कौन था? गुरु की अवज्ञा। अगर बृहस्पति जी का संसद भवन में सम्मान किया होता तो ये सब परिस्थिति नहीं आती। गुरु की अवज्ञा माने गुरु का तिरस्कार, इसी से तो विस्फोट चला। तो जो वृत्रासुर दिखाई पड़ता था वो कौन था? वो कोई बाहर का नहीं था, वो इंद्र का प्रमाद था। समझ गए ना? वृत्रासुर के माध्यम से मैंने कहा, ये जितने तंत्र हैं हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श पर पानी फेरने वाले, ये कुछ नहीं है। ये कौन है मालूम है? हमारे प्रमाद के प्रतिरूप हैं। हम अपना प्रमाद दूर कर दें, ये सब कुछ नहीं है, इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, हमारा छात्र धर्म उद्दीपित रहता तो अमुक अमुक की क्या जरूरत है? कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे सुस्थिर रहते, वैश्य धर्म हमारा सुरक्षित रहता, क्रिश्चनों की क्या जरूरत है? महाभारत की कूटनीति, महाभारत की राजनीति, वेदों की राजनीति हमारे पास होती तो कूटनीति में अंग्रेज पछाड़ खाते, उनकी कूटनीति के शिकार हम कैसे बनते? सारी बात तो यह है। अच्छा, मान लीजिए नेपाल के राजाओं ने गरीबी दूर करने का धर्म की सीमा में प्रयास किया होता तो गरीबी के नाम पर कम्युनिस्टों के दल कहाँ से गलती? सीधी बात है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे थे, उनके अनुयायियों ने
छात्र धर्म निरपेक्ष कीर्तन को अपनाया, उसके गर्व से कमलीर निकल आया। समझ गए ना, कीर्तन के गर्व से कमलीर निकल आया, छात्र धर्म निरपेक्ष कीर्तन। अब भगवान हनुमान जी का ध्यान वो करते, कर्तन और कीर्तन दोनों है यानी हनुमान जी के पास। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कीर्तन भी करते हैं और जहाँ जहाँ यशोगान होता है भगवान का, हनुमान जी गुप्त रीति से प्रकट हो जाते हैं, विद्यमान रहते हैं। कर्तन भी करते हैं राक्षसांतकम, कीर्तन के साथ कर्तन, केवल कर्तन रह गया तो उधर चले जाएंगे, केवल कीर्तन रह गया तो कम्युनिस्ट पैदा हो जाएगा। इसलिए हम जो संकेत करते हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं तंत्रों में अभी एक मुसलमान सज्जन ने वक्तव्य दिया है, भारत में राजनेता लोग हमको लड़ा रहे हैं, भारत तब सुखी होगा जब हम हिंदुओं के साथ अपनत्व रखेंगे, रामलला का मंदिर बनेगा, वो हत्या बंद होगी। कहाँ से आवाज आ रही है, नहीं ध्यान गया? मैं इस शरीर से तो बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से भी बोल रहा हूँ, आपका ध्यान नहीं गया? मैंने कहा कि मंदिर ही बनना चाहिए 8 महीने पहले। एक सपा के नेता मुसलमान ने कहा, मेरा नाम लिए बिना, 10 करोड़ रुपया रामलला का मंदिर बनने के लिए मैं दूंगा, मंदिर बनना चाहिए। मुसलमानों के कार सेवक वहाँ पहुँच गए, कार सेवक पहुँच गए ईंट लेकर। इसका मतलब क्या है, अभी थोड़े प्रतीक्षा कीजिए, हम क्रिश्चियनों के मुँह से बोलेंगे, हम कम्युनिस्टों के मुँह से बोलेंगे। अभी अभी जो कुछ कहा मेरी उपस्थिति में, मेरे बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री ने, मानो मैं उनके मुँह से बोला। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से खतरा है हिंदुओं के अस्तित्व राजस्व को, वहाँ वहाँ से हम बोलेंगे, माने भगवान हमारे मुख से बोलेंगे। और हिंदुओं का बाल बांका कोई नहीं कर सकता, कम से कम आप जब बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, तो आपके हाईकमान क्या आपके साथ क्या व्यवहार होगा उस पर तो ध्यान रखा कहिए।